जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का वीडियो उद्यमेश्वर तंत्र के का अगला कड़ी है, जो जनरली मैं शुक्रवार और शनिवार को डालता हूँ। आज जिस यक्षिणी की साधना मैं बताऊंगा उसको बहुत ही छोटे में बता रहा हूँ, क्योंकि आज के कालखंड में इस यक्षिणी की साधना करना थोड़ा कठिन है। थोड़ा क्या बोलू, बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें एक ऐसा कंडीशन आता है जो बहुत ही हास्पद है। खैर, तो मदना जो यक्षिणी होती है, इसका काम क्या होता है, इसको किस तरह के लोग सिद्ध कर सकते हैं? मदना यक्षिणी को सिद्ध वो लोग करते हैं जिनको वैद की विद्या में इंटरेस्ट हो, या फिर जिनको हीलिंग में जाना है, या फिर ऐसे लोग जिनको लोगों की भलाई करनी है। मदना यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी है जो कि, देखो, मदना का मतलब होता है लस्टफुल, हाँ, जो कि अपने मालिक पे पूरा अधिकार जमा कर रखेगी। तो गृहस्थ लोगों को, जो कि गृहस्थ भी और साधना भी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मदना यक्षिणी सही नहीं रहती है। जो लोग फुल टाइम संन्यास ले चुके हैं और वो इस विद्या में, जो आयुर्वेद की विद्या है उसमें निपुण होना चाहते हैं, जो हीलिंग की विद्या है उसमें निपुण होना चाहते हैं, उनके लिए मदना यक्षिणी साधना होती है। मदना यक्षिणी साधना जो है इस कालखंड में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसका जो सबसे बेसिक रूल होता है कि ये किसी भी अच्छे राजा का, शुद्ध राजा, उसके द्वार पे बैठ के इसका जाप किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो राजतंत्र भारत में नहीं रहा, दूसरे देशों में है, तो आप अगर वहाँ के राजा शुद्ध हो तो आप उनके घर पे कर सकते हैं, या फिर अगर राजा माना जाए तो आज के डेट में जो इलेक्टेड हमारे कैंडिडेट्स हैं वही हमारे राजा होते हैं, तो उनके द्वार पर जाकर के आप इसका इसकी साधना कर सकते हैं। तो इसकी साधना बहुत ही सिंपल है। आपको ऐसे राजा जो कि अच्छे हों, जो साफ सुथरे छवि के हों, उनके द्वार पर जा करके 1000 जाप करना है। 1000 जाप करके आपको उसका दशांश हवन करना है चमेली के फूल से। ठीक है, मंत्र सुनिए। मंत्र है ओम ह्रीम मदने मदना विदंबनी आल्यै संगमम देहि देहि श्रीम स्वाहा। ठीक है, ये जो मंत्र है इसको आपको 1000 बार जाप करना है। 1000 जाप करने के बाद इसका दशांश हवन कर लेना है जैस्मिन के फूल से। इतना करेंगे ये आपको आकर के एक ऐसी दवाई का आपको फॉर्मूला देगी जिससे कि दुनिया के हर मर्ज का इलाज है। मतलब उस एक दवाई के बाद आपको किसी के इलाज के लिए किसी दूसरी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके साथ ही ये जो यक्षिणी है ये काफी डिमांडिंग है, तो ध्यान रहे अगर आप शादीशुदा हैं या फिर गृहस्थ हैं तो इसकी साधना ना करें। जो ऐसे हमारे साधक हैं जो कि घर परिवार तज के संन्यास आश्रम में रहते हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट साधना है। अगला जो उद्यमेश्वर तंत्र में मैं जो अगला आप लोगों को बताऊंगा वो घंटा है। जैसे आप लोगों ने बहुत मोहिनी में मोहिनी सीखा होगा, लेकिन अगर आप घंटा की साधना कर लेते हैं उसके बाद किसी भी वशीकरण और मोहिनी को करने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ एक घंटा यक्षिणी की साधना कर लीजिए और आप लोगों को जो आप चाहिएगा, जिसको मोहना चाहिएगा, आप तुरंत मोह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी वही फिर से मैं प्रचार कर रहा हूँ, हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खरीदिए, अमेजॉन फ्लिपकार्ट स्नैपडील पूरे विश्व में आपको ये किताब मिलेगी। अगर प्रेत के बारे में जानना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो हाँ, पेड कॉल्स है, कॉल मी फॉर ऐप आप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा, उसमें आप मुझे पेड कॉल कर सकते हैं। बहुत अर्जेंसी हो तो फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप मुझे मैसेज छोड़े, फ़ोन ना करें डायरेक्टली आप लोगों से। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी को अलग आदेश आदेश आदेश।